press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के गोविंदगढ़ में जहां रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा गोकशी मामले में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लव जिहाद पर क्या बोला वो आप भी सुने। विधायक ने विशेष समुदाय के हिंदुओं की लड़कियों को बरगलाने वाले, जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले और लव जिहाद करने वालों को अब उनकी लड़की उठाने की बात कही। रामगढ़ क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है, खासतौर पर चुनावी साल के चलते यहां सांप्रदायिक माहौल हमेशा की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम कट्टरता नजर आने लगी है। पिछले दिनों रामगढ़ में अकबर की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि उसी क्षेत्र में गौ मांस को लेकर विवाद बना हुआ है। दो दिन पूर्व पुलिस ने 40 किलो गौ मांस बरामद किया और 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन आज विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने इसमें लव जिहाद का जिक्र करते हुए विशेष समुदाय को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की लड़कियों को बर गलाकर ले जाने वाले और जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को खुले मंच पर कहा कि अगर हिंदुओं की 10 लड़कियां गई हैं तो तुम्हारी 20 जाएंगी और 20 के बदले 40 और 40 के बदले 80 जाएंगी। यह बात उन्होंने गोविंदगढ़ में गौ मांस मिलने के बाद उसी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। वालों के लिए तो मर रहे हो, जाके कोर गांव में मीटिंग कर रहे हो और आज पुनाना में मीटिंग है, आज वहां मीटिंग है, यहां आओ ना जनता के बीच में, इस जनता के बीच में आके कहो ना कि भाई हमारी भावना ये है, हम भी आपके साथ है, हमारी बेटियां जो गई है, मैं यहाँ पहले वो आके पहुंचता मैं 7 तारीख के बाद, क्योंकि मैं अलवर शहर में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, मैं अलवर शहर में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। पिछली बार आया सजावटी के लिए तो मैं सकड़ा रुका, आज भी सकड़ा रुका हूँ। 7 तारीख को बसरे जी की पूजा करके, 6 तारीख को और खाटू श्याम और सालासर, और 7 तारीख को बसरे पूजा करके फिर मैं घर जाऊंगा। मैं उस दिन फिर एक बड़ी सभा लूंगा 5ों कस्बों में, बहुत बड़ी सभा, वो एक हफ्ता पहले सूचित करके वो ये लूंगा मैं। सीधी सीधी बात है कि जो लड़कियां हमारी गई हैं, जो लड़कियां हमारी गई है बेटियां, लव जात के भड़का करके लॉलेज दे के लोभ दे के ले गए, उसके लिए टाइम दूंगा 15 दिन या 1 महीना। या तो उन लड़कियों को लाओ, या तो उन लड़कियों को लाओ, और नहीं तो फिर तुम्हारी 10 गई हैं तो 20, और 20 गई हैं तो 40, और 40 गई हैं तो 50, और 40 गई हैं तो 80, फिर तुम्हारी बेटियां भी इसलिए सुरक्षित नहीं होंगी क्योंकि तुमने बड़ा परिवर्तन किया है, तुमने बड़ा धर्म परिवर्तन किया है। इसलिए सीधी चुनौती देता हूँ और सीधी चुनौती लेता हूँ, हर जोखिम को लेने के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आपके बीच में मेरा कोई स्वास्थ्य खराब था, यहाँ प्रचार किया ज्ञानदेव आहूजा चुनाव लड़ेंगे, ज्ञानदेव आहूजा को धुलकवा हो गया, ज्ञानदेव आहूजा को ये हो गया, ज्ञानदेव अरे भैया आपके सामने खड़ा हूँ, न कोई लकवा हुआ न कोई ट्यूमर हुआ। बीपी और डायबिटीज में आप जनता के लिए मैं भूखा प्यासा जिंदा घूमता हूँ, तो कहीं किसी दिन 300-400 बीपी हुआ और 300-400 डायबिटीज हुआ, तो उस कारण से मैं यहाँ पर 2 थक्के खून के जमे और ब्लड सप्लाई बंद हुआ, इतनी सी बात। लेकिन प्रचार किया गया, कुछ कच्चीस लोग एमएलए की चाल में चल रहे हैं, मेरे भाई है, लोगों ने कहा उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनको एमएलए की चाल में चलने दो, ध्यान दिया हो जब नहीं आएगा, ध्यान दिया हो जब तो गया। मेरा जब बड़ा ऑपरेशन हुआ था 22 सिंह, तब भी ये प्रचार किया गया कि अब ज्ञान दिया हो जब तो गया, उपचुनाव होगा, अब ना उपचुनाव होगा ना होगा, सीधा सीधा आपके बीच में आपका भाई और पार्टी का विश्वास है, पार्टी का टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी लड़ेंगे, आप सब लोग जीतोगे, मैं नहीं जीतूंगा, फिर मैं दोहराऊं, मैं नहीं तुम मिलाकर के बनता, हम सब उस विश्वास को जीतेंगे और जिताएंगे। इसलिए सीधी सीधी बात है कि भगवान की दया से लास्ट में बात बोल रहा हूँ। अरे हो गया यार, तू डरा क्यों रहा है? अभी मैं चढ़ा तो ऐसे तो था, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा मैं बूढ़ो ना हूँ भैया, इसलिए आप लोग जीतेंगे और जिताएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.